फैक्ट्स अबाउट इसराइल। इजराइल दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित यह है। एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन। आईएसआई भी इससे डरता है। वहीं आईएसआई जिसने अमेरिका जैसे ताकतवर और बड़े देश को धमकी दे रखी है। वैसे तो इसराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उसे इस बात का कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपनी हिफाजत और दुश्मनों को खत्म करना बाखूबी से जानता है। आज के इस वीडियो में इसराइल से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, शायद ही आपको कोई बताया होगा। नंबर वन, इसराइल का क्षेत्रफल अगर तीन इसराइल भी मिला दिया जाए तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ की कुल जनसंख्या 92 लाख के आसपास है, जबकि राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.5 लाख के ऊपर है। नंबर टू, इसराइल एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी देश का बच्चा अगर इसराइल में जन्म लेता है तो उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है और वह जब चाहे तब अपने देश यानी इसराइल में आकर रह भी सकता है। नंबर थ्री, वैसे तो इसराइल एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इसका फायदा यह है कि इजराइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही मार कर गिरा सकता है। नंबर फोर, दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने उन्हें अपने देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए सिफारिश भी की थी। और यह बात 1952 की है, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पेशकश को ठुकरा दिया था। नंबर फाइव, इसराइल दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहाँ की महिलाओं को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा में काम करना जरूरी है। नंबर सिक्स, इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इसराइल में हुब्रू भाषा बोली जाती है और यह भाषा दुनिया का मात्र एक ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ। नंबर सेवन, इसराइल की वायुसेना दुनिया के 6वें नंबर पर आता है। यह न केवल किसी भी हमले की स्थिति में जवाब देने में सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखते हैं। नंबर एट, युद्ध में इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इसराइल ने एक ही समय में 7 अलग अलग देशों के साथ लड़ाई लड़ी है और सभी शत्रु राष्ट्रों को पराजित भी किया था। इतना ही नहीं, इसराइल ने विवादित क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। नंबर नाइन, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसराइल में आप रविवार को अपनी नाक नहीं साफ कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। नंबर टेन, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर दुनिया के अन्य सभी देश में वैध है। तो आपको इसराइल देश कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस तरह का अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।